उमर रियाज के सपोर्ट में आए डॉक्टर सक्षम सलमान खान को दिखाया आईना। हर वीकेंड के वार की तरह इस वीकेंड के वार में भी सलमान खान उमर रियाज के प्रोफेशन पर सवाल उठाते हुए दिखाई देंगे। और सलमान खान को मुझे समझ में नहीं आता कि उमर रियाज से क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हर वीकेंड के वार में वो उमर रियाज को डीमोटिवेट करते हैं और किसी को कुछ सुनाए ना सुनाए, लेकिन उमर रियाज को तो सुनाते ही हैं। इस वीकेंड के वार में तो सलमान खान ने हद ही पार कर दी। इस वीकेंड के वार में सलमान खान ने हद पार करते हुए उमर रियाज को क्या कह दिया, सुनिए। प्रोमो सामने आया, आई होप आपने भी देखा होगा। इस प्रोमो को देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया है, मेरा खून खौल गया है। सोशल मीडिया पर भी उमर रियाज के जो फैंस है वो काफ़ी नाराजगी दिखा रहे हैं और काफ़ी लोगों को गुस्सा आ रहा है कि यार एक बंदा, अगर वो इतना सही है तो आप उसके पीछे ना पड़ चुके हो, मतलब हाथ धो के पीछे पड़ चुके हो। यहाँ पर अब के वीकेंड के बारे में उन्होंने क्या कहा है, और उमर तुम साले डॉक्टर, तुमको तमीज नहीं है, दिमाग नहीं है तुमको। वेल, दिमाग नहीं है, मुझे तो लगता है कि शायद आपको दिमाग नहीं है, क्योंकि हर वीकेंड के बारे में आके आप एक डॉक्टर के प्रोफेशन पर सवाल उठाते हो, जिस तरीके से आप उससे बात करते हो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपके अंदर दिमाग नहीं है। डॉक्टर सक्षम जो कि उनके सपोर्ट में आए, उन्होंने एक ट्वीट किया है, साथ ही एक फोटो भी शेयर की है। ये देखिए, ये जो फोटो है वो अभिजीत बिचकुले की है उस वक्त की, और साथ में उमर रियाज जो उनकी केयर कर रहे हैं, जब यहाँ पर शमीता की लड़ाई हो गई थी अभिजीत से, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो यहाँ पर उमर रियाज जो थे उनके पास आए थे उनको देखने की वो ठीक है या फिर नहीं। डॉक्टर सक्षम ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, दिस इज डॉक्टर उमर रियाज, द वन हु केयर एंड हेल्प एवरी वन विदाउट एनी हेजिटेशन। He is unique, lovable, good human being and definitely a great doctor. साथ ही उन्होंने लिखा है, a big slap to SK, यानी कि सलमान खान, who was talking with Betty Shammo while our beloved Umar is helping Abhijit. One man show Umar. जी हाँ, डॉक्टर सक्षम ने उमर रियाज को सपोर्ट करते हुए ये सारी चीजें लिखी हैं। फिर क्या मैं बोलूँ, एक वीकेंड के बारे में, दो वीकेंड के बारे में, तीन वीकेंड के बारे में, हर वीकेंड के वार में ये बंदा उमर रियाज के पीछे पड़ गया है और हर वीकेंड के वार में मतलब क्लास लगाता है। क्या प्रॉब्लम है यार, उमर रियाज ने तुम्हारी गठरी मार ली है क्या, जो हर वीकेंड के वार में आप मतलब पीछे पड़ जाते हो, क्लास लगाते हो? उससे कुछ भी नहीं होगा, सबको दिख रहा है कि आपको बाहर का कुछ गुस्सा है, आप निकालते हो उमर रियाज के ऊपर। अरे अगर उसके प्रोफेशन पर तो मत बोलो, क्यों उसको इतना डीमोटिवेट कर रहे हो? बंदा इतना सही गेम खेल रहा है फिर भी आप लोग को इतनी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर आप मत निकालिए, इस तरीके के बिहेव मत करिए, उसको इतना डीमोटिवेट मत करिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा गेम खेल रहा है और वो डिजर्व करता है बिग बॉस 15 को जीत। आपके डीमोटिवेट करने से कुछ भी नहीं होगा, सलमान खान ऊपर वाला उसके साथ है, फैंस उसके साथ है और इंशाल्लाह वो शो को जीतेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए इस पर आपको क्या कहना है। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।